तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा लिली विल की हालत कितनी ज्यादा खराब है। मेरा नहीं हुआ ना तो भाई सही सी बात है भाई, मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा। अरे पीछे हटो पीछे हटो, ये क्या लाग रहा है। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था जब मैंने बताया रोनी ही मेन मास्टरमाइंड है, रोनी ही इन सब चीजों के पीछे है, रोनी ने ही मर्सनरीज को हायर किया, रोनी ने ही आईपी लीक की हैकर्स को देके। किसी को भी मेरी बात का विश्वास नहीं होता जब तक फ्लीट भाई ने कासल से वो चीज कंफर्म नहीं की। ये और कोई नहीं है, रोनी है फ्लीट भाई। नहीं भाई मैं नहीं मान सकता, सॉरी भाई, रोनी नहीं हो सकता। अरे पागल है क्या, रोनी कैसे होगा। रोनी तू बोलना चाह रहा है कि रोनी ने हैकर्स को बुलाया और फिर रोनी ने मर्सनरी भी बुलाए। भाई मेरे को ये बताओ आईपी और कौन लीक कर सकता है हम छह बंदों में से। एक कासल है, चाचा जी कर नहीं सकते, आपने की नहीं, मैंने की नहीं। लास्ट टाइम पूछ रहा हूं कौन है। मैं कब बोला, देव भैया है तो रोनी भैया है, रोनी भैया स्टार्टिंग से वो मेरे साथ ही थे, मतलब मैं उनके साथ था। तुम देख रहे हो ना रोनी एंड कासल और ये सारे मर्सनरीज ने मिलके लिलीविल का ये क्या हाल किया है भाई। तुम देख रहे हो ना ये जो बिल्डिंग है ये वन ऑफ द ओजीज बिल्डिंग है, ये जो समझ रहे हो ना सबसे पहले बिल्डिंग ये ही बनी थी पूरे के पूरे लिलीविल में, और रोनी ने यही उड़ा दी। फ्लीट भाई ने पूरा मौका, ठीक है फ्लीट भाई को पता लग गया, फ्लीट भाई ने पूरा ट्राई किया कि ये जो भी सिचुएशन है ये विदाउट वॉयलेंस निपट जाए, विदाउट वॉयलेंस सॉल्व हो जाए, बट भाई रोनी बींग रोनी उसने ऑलरेडी यहाँ पर TNT प्लांट करे हुए थे, उसका पूरा प्लान ही यही था। और तुम ये देख रहे हो कितना अच्छा लोगो था लिली विल का भाई, ये तुम ये लोगो देखो यार कितना प्यारा लोगो था। और भाई लोगो तो छोड़ो, सबसे पहली बिल्डिंग लिली विल की, सबसे ओजी बिल्डिंग समझो, सबसे पहली बिल्डिंग ही उड़ा दी रोनी ने भाई। ये बिल्डिंग मैं तो अपने हिसाब से वन ऑफ द पिलर मानता हूँ लिली विल की, क्योंकि यहाँ पर ही हमने पूरा अपना लीडर चूज किया है, यहाँ पर ही हमने ये सबसे पहली बिल्डिंग यहीं है, पूरा लिली विल की शुरुआत ही यहीं से हुई है। और सबसे सुंदर, मेरे हिसाब से सबसे सुंदर बिल्डिंग लिली विल की अभी तक की यही थी फ्रॉम डे वन। उसने ये सब करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। फ्लीट भाई ने उसको मौका दिया था, समझ रहे हो ना, फ्लीट भाई ने उसको बोला था कि तुम जाओ यहाँ से, अपना कहीं भी कुछ भी करो मुझे मतलब नहीं है। बट उन्होंने जब पीसफुली थिंग समझ रहे हो सेटल हो सकती थी, उन्होंने खाली वॉयलेंस चुना और ये पूरा का पूरा एरिया उड़ा दिया भाई। भाई कितना प्यारा दिखता था ये अपना लिलीविल भाई और अपना कम्युनिटी हॉल। भाई मैं क्या बोलूँ यार, कम्युनिटी हॉल तो बिल्कुल भी नहीं बचा और ये देख रहे हो कितना डिस्ट्रक्शन किया इन लोगों ने। इसको क्या पता अगर रोनी थोड़ा और लेट पकड़ा जाता तो वो पूरा लिलीविल भी उड़ा सकता था, क्योंकि आई गेस उस पर जितना टाइम नहीं था पूरा लिलीविल उड़ाने का। तो देखो ना, वो सोचो ना तुम, बंदा नीचे TNT प्लान करके बैठा है, उसका कुछ तो प्लान होगा भाई। बट इस बात की खुशी है मुझे कि रोनी टाइम से पहले पकड़ा गया, मतलब भाई वो पूरा लिली विल उड़ा देता भाई। बट यार कम्युनिटी हॉल को देख के इतना गुस्सा आता है ना भाई। अब जो भी हो जाए ना, रोनी और उसकी ये जो भी है, रोनी और मर्सनरीज और एक कासल, इनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। तो तुमको पता है वॉर तो होके रहेगी किसी भी हालत में, हमको अपना बदला लेना है भाई। तुम सोचो ना, लिली विल का मेन पिलर फर्स्ट बिल्डिंग ही उड़ा दी, हम चुपचाप थोड़ा बैठेंगे, समझ रहे हो ना। तो उसी के लिए मैं आज तैयारी करने आया हूँ। तुमको दिख ही रहा होगा जैसे कि मेरे पास आर्मर बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास मेरी चेस्ट प्लेट नहीं है, हेलमेट भी टूटा हुआ है, और मुझे ये दोनों भी रिपेयर करना है, क्योंकि तुमको पता है वो कितने सारे लोग हैं। मुझे आर्मर अपना बेस्ट कंडीशन में रखना होगा, क्योंकि हमको बहुत सारे बंदों से फाइट करनी पड़ सकती है, और अगर तुम ज़्यादा बंदों से फाइट करोगे तुम्हारे चांसेस ज़्यादा है कि तुम्हारा आर्मर टूट जाएगा। और हमारे और तुमको लिली विल का रूल पता है कि तुम किसी भी विलेजर ट्रेड नहीं कर सकते, किसी भी विलेजर को कैद नहीं कर सकते। तुम देख रहे हो ना, ये मैंडिंग आई गेस मैं मैंडिंग बिल्कुल नहीं लगा सकता। ये मैंडिंग मुझे लग रहा है ना हैकर्स के हैकर्स का आर्मर है, या तो फिर ये जो लास्ट टाइम फाइट हुई थी ना इनके साथ, किंग के साथ, ये जो मर्सनरीज थे ये उनके आर्मर का पीस है। बाकी मेरे सारे आर्मर टूट गए और मैंने एक चेस्ट प्लेट फ्लीट भाई को दे दी, क्योंकि उनके पास भी थोड़ा आर्मर की कमी थी और उस टाइम फाइट होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो मेरा भी पहला मेन मोटिव है बदला, अपना बदला लिलीविल का बदला लेने से पहले, वॉर होने से पहले मुझे एक परफेक्ट आर्मर बनाना पड़ेगा, ताकि समझ लो ना फ्लीट भाई के ऊपर मैं बर्डन ना रहूं, मैं अपने साइड से भी थोड़ी हेल्प कर पाऊं फाइट में। और तुमको पता ही है वो कितने ज़्यादा लोग हैं, तुमने लास्ट फाइट तो देखी होगी जब, या तुमको पता है ना जब उनको हमने जेल में डाला था तो कितने ज़्यादा लोग थे, वो कितने ज़्यादा चढ़ लेते और आर्मर टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो
सबसे पहले मुझे डायमंड कलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद मुझे नेदर जाना पड़ेगा, नेदर जाके मुझे नेदरराइट कलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद मुझे बेस्टियन ढूंढना पड़ेगा, बेस्टियन ढूंढ के मुझे ट्रीमर ढूंढने पड़ेंगे जो मैं, जिससे मैं अपना आर्मर डायमंड आर्मर को नेदरराइट आर्मर में कन्वर्ट कर पाऊँ। समझ लो ना कितना लंबा प्रोसेस है। तो अभी ये एरिया पूरा खाली क्यों है? यहाँ तो फ्लिट भाई का घर हुआ करता था ना, और यहाँ नया घर बन गया। अबे यहाँ तो मेरी स्टेयर्स सीढ़ियाँ हुआ करती थी ना यहाँ से ऊपर जाने के लिए। भाई सीढ़ियाँ, व्हाट, सीढ़ियाँ चोरी हो गई क्या? ये क्या चल रहा है भाई? और कुछ तो चोरी नहीं हुआ मेरे घर से? भाई पहले ये डायमंड चोरी हुआ लिलीविल में मेरे, अब मेरे घर की सीढ़ियाँ गायब हो जा रही है। भाई ये क्या चल रहा है? कौन कर सकता है भाई? और बंदे ने भाई ये लैडर भी लगा रखी है भाई। अबे ये क्या मजाक चल रहा है क्या मेरे साथ? कौन कर सकता है? यहाँ है ही कौन भाई? फ्लिट भाई है, मैं हूँ, और चाचा जी है, और जैक है। और देखो ना भाई, फ्लिट भाई ने यहाँ घर बना रखा है यार। फ्लिट भाई तो कर नहीं सकते, फ्लिट भाई नहीं कर सकते ना। हाँ उनने तो उनका घर यहाँ था, तोड़ के यहाँ बना दिया उनने। फ्लिट भाई नहीं होंगे यार, तो चाचा जी हो सकते है क्या? माइट भी चाचा जी हो सकते है, क्योंकि उनने यहाँ की स्टेयर तोड़ के अपनी स्टेयर बना दी हो। हाँ देखो ना कुछ भी हो भाई। यार क्या चल रहा है यार ये? यार मैं भाई यार क्या चल रहा है यार ये? पहले मेरे डायमंड चोरी हो गए मेरे, नहीं मतलब लिलीविल के लोगों के, अब यहाँ की मेरे घर की शेयर्स गायब हो गए। क्या चल रहा है भाई यार? किसी दिले के जा रहा हूँ डायमंड माइन करने, क्योंकि तुमको पता है ना ये रॉनी लोग अपना एक पूरा का पूरा एम्पायर बना रहे हैं। तुमने लास्ट स्ट्रीम में देखा होगा कि रॉनी लोग ने इतना बड़ा और इतना खतरनाक एम्पायर बना दिया ना भाई। यार कितने गंदे लोग हैं यार वो लोग, पूरा का पूरा लिलीविल की कम्युनिटी हॉल तोड़ के चले गए। तो अभी मेरा एक ही मोटिव है कि मैं पहले डायमंड्स माइन करूं, फिर उसके बाद एक आर्मर बनाऊं। बट यार बेस्टियन ढूंढना थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि तुमको याद होगा मैंने बेस्टियन से एन्चांटेड गोल्डन एप्पल क्या बोलते हैं ढूंढा था, और उसके बाद मेरे को दो बेस्टियन लूटने पड़े थे, और मैंने सारे आसपास के बेस्टियन लूट दिए। और मुझे पक्का पता है क्या बोलते हैं, किसी ने मेरे अलावा तो बेस्टियन में लूट की होगी, क्योंकि हम में से सबके पास नेदरराइट आर्मर है। और नेदरराइट आर्मर क्यों चाहिए समझ रहे हो? नेदरराइट आर्मर क्या क्यों बनता है? ओ ये फ्लिट भाई का है, ओके यहाँ से जाता हूँ। नेदरराइट आर्मर क्यों कैसे बनता है? नेदरराइट आर्मर बनता है ट्रीमर से, तो मुझे वो ट्रीमर ढूंढना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मैं डायमंड के आर्मर तो फाइट नहीं कर सकता। तुमको पता ही है ये अभी, तुमको पता ना स्टेक्स आए हैं, उनने लिलीविल पे पहले हमला किया और अपना कम्युनिटी हॉल तोड़ा है उनने, तो समझ रहे हो ना। तो मुझे कैसे भी करके अपना आर्मर बनाना है, और मुझे सबसे पहले ढूंढने हैं डायमंड्स। तो मैं डायमंड्स माइन करने के लिए कोई केव ढूंढता हूँ परफेक्ट सी, पूरा डायमंड माइन करता हूँ, फिर आप लोगों को मिलता हूँ। बट डायमंड तो चल ठीक है, डायमंड तो ईजिली माइन हो जाएंगे, बट बेस्टियन का मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट कोई नहीं, हार नहीं माननी है भाई, मैं जस्ट भाई कुछ भी हो जाए ना, इन लोगों को सबक तो सिखाना है भाई। हल्के में ले रहे क्या लिलीपुट्स को? गाइस एक बार आप लोग सारे के सारे कमेंट कर दो लिलीपुट्स ओपी, सारे के सारे कमेंट कर दो। तब तक के लिए मैं डायमंड माइन करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं बहुत ज़्यादा दूर आ गया हूँ यार भाई, मैं केव के चक्कर में इतना दूर आ गया हूँ, विदाउट आर्मर घूम रहा हूँ। ये कौन लोग है? अबे कासल, व्हाट, थोड़ा सा अबे यार बहुत ज्यादा क्लच लिया। नहीं, अभी कॉल डैमेज ले भाई, इनको आवाज तो नहीं आई ना अबे। ये क्या बात, अरे सुनो सुनो सुनो, तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी क्या इधर भैया? आवाज हल्की सी आई थी, किसकी आवाज? ऐसी आवाज है, काओ काओ काओ, ऐसी आवाज है लग रहा है, वो है कोयल है लग रहा है। कोयल कहाँ से आ गई? कोयल कब आ गई भाई? पता नहीं लग रहा है, ये बकरी की आवाज लग रही है क्या? कोयल की आवाज लग रही है, कैसे बंदे भाई? ठीक है बकरी होगी, सुनो सुनो सुनो, अरे ये टाइम वेस्ट मत करो भाई, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रोनी भैया ने काम बोला है वो करो ना, वरना तुम लोग इधर के इधर मार देंगे वो। घंटी छोड़ लेके ने जल्दी मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे। इनको रोनी ने क्या काम दिया था भाई? थोड़ा छुपके भाई, मेरे पास आर्मर भी नहीं, ये देख रहे हो मेरे पास आर्मर भी नहीं, अगर इनने मुझे पकड़ लिया ना तो मैं डेड हूँ भाई। इतने कितने लोग हैं, कहाँ के? अच्छा अच्छा सर गए, फूड नहीं है क्या मेरे को? फूड नहीं है क्या? रुको, अबे यार कितने तेज भाग रहे हैं। हमारी पीपी तो अच्छी हो गई है,
बात तो सही है तुम लोगों की, प्रैक्टिस तो करते हो ना रोज वहाँ पे? अरे रोज करते हैं कैसे टॉर्चर करेंगे उन लोगों को, मजा आएगा भाई। काटे थे मेरे 3 खींचे थे, मैं 5 खींचूंगा उनके, देखना। 6 खींचो ना, 3 लोग है, 6 खींचो। दांत भी तो तोड़े थे तेरे। हाँ दांत भी, मैं सब कुछ ही उखाड़ लूंगा भाई। बढ़िया है, पूरा बदला गिन के लेना, बदला पूरा लूंगा रिवेंज भाई। तुम देख रहे हो, एक नदराज आर्मर में कासल फूल और तीनों आर्मर में भाई, मैं इनसे फाइट तो नहीं कर सकता बिल्कुल भी नहीं यार, मेरे पास आर्मर भी नहीं है। और इनको रोनी ने ऐसा क्या काम दिया जो ये भाई इतने ग्रुप में जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई रोनी कर क्या रहे हैं ऐसा, इनको क्या काम दिया रोनी ने भाई। इनका थोड़ा पीछा करता ताकि मुझे पता लगे। रुको 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 रुको, आजा आजा जल्दी जल्दी आजा भाई, ये केव आ गई। अरे सुनो भाई, ओ भाई आराम से, ध्यान रखना है अपने का। अगर कोई दिखे ना, कोई दिखे वहीं पे मार देना, स्पॉट तुम लोगों को देके रखी है मैंने। अरे ये देखो, हां बिल्कुल काट देंगे, कोई नहीं मार पाएगा अब हमें। बाकी एक चीज बताओ, जो डायमंड्स मिले ना वो सारे मेरे को लाके देना, क्योंकि अगर ये डायमंड्स लोनी भैया को टाइम पे नहीं मिले तो दिक्कत हो जाएगी, सबको मारेंगे वो। और अब तो ये डायमंड्स आ जाएंगे, फिर तो पूरे लिलिल पे राज करेंगे हम लोग, फिर तो मजे ही मजे हम लोगों के। फायर हो जाएगा हम लोग का, हम सबसे स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ वही अबे, ये डायमंड माइन करने जा रहे हैं भाई। अभी इनके पास आयरन आर्मर है यार, काश मेरा फुल आर्मर होता, मैं ट्राई करता यार फाइट करने का। नहीं यार, अगर भाई समझ लो ना तुम, अगर इनके पास डायमंड आर्मर आ गया तो नदरेट समझ लो, नदरेट कितना क्लोज है, अगर इनके पास डायमंड आ गया तो नदरेट आर्मर आना भी इतना टाइम नहीं लगेगा इनको भाई। यार मैं इस तरफ नहीं जा सकता भाई, क्योंकि डायमंड माइन करने के लिए स्ट्रिप माइनिंग करनी पड़ती है। अगर ये मुझे गलती से भी मिल गए तो भाई ये मुझे पकड़ के ले जाएंगे या मुझे मार देंगे, मुझे समझ में नहीं आएगा भाई क्या चल रहा है यार, दिमाग भी नहीं चल रहा भाई मेरा। मैं तो चुपचाप डायमंड माइन करने निकला था ताकि मैं आर्मर बना पाऊँ। गाइस मुझे जल्दी से आर्मर बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना यार कितना ज़रूरी हो गया अभी आर्मर। तुम फ्रीली घूम ही नहीं सकते यहाँ यार, मैं इतना दूर आया ही क्यों भाई, घर के बगल में कर देता, क्योंकि घर के बगल में मैंने बहुत बार डायमंड माइन किया ना, क्योंकि लेवल का लोगो बनाने के लिए भी हमने घर के बगल में गए थे, तो उस साइड के हमने बेसिकली पूरे डायमंड तो नहीं बोलूंगा बट ऑलमोस्ट चंक डायमंड तो माइन करे ही है ना वहाँ। यार इस साइड किस साइड आ गया, मैं इस साइड जाता हूँ, कोई केव ढूंढता हूँ इनसे दूर यार। चलो गाइस डायमंड माइन करता हूँ, फिर मिलता हूँ यार आपको। भाई साहब तुम सोचो यार, ये लोग डायमंड माइन करने जा रहे हैं, कितना बड़ा एम्पायर बना दिया मैंने अभी तक, और मेरे पास एक आर्मर नहीं है यार। जल्दी से जाता हूँ भाई डायमंड माइन करने। ओके गाइस, मैंने सारा का सारा डायमंड माइन कर दिया और आज मैं काफी लकी रहा हूँ बहुत, समझ रहा। अभी तक मैंने जितनी भी माइनिंग की है ये फास्टेस्ट माइनिंग है, 37 डायमंड मिल चुके हैं मुझे भाई, बहुत ज्यादा जरूरत थी इसको, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिलेगा, उतना जल्दी मैं नदर जाऊंगा ना। अभी देखो क्या बोलते हैं, मेरे को क्या मेरी एक्सपीरियंस लेनी पड़ी है, क्योंकि क्या बोलते हैं मेरी सारी की ये लेगिंग्स है ना पूरी तो रिपेयर नहीं हुई, अभी नदर जाके भी रिपेयर करूंगा। बट भाई एक चीज़ अच्छी है, मैंडिंग लगी है ये भाई मर्सनरीज पे, उस टाइम भाई मैंडिंग का आर्मर था, इनका पूरा आर्मर जला दिया ना, मतलब एक्सपेयर आर्मर होता तो मजे आ जाते भाई। ओके मुझे, अरे यार मेरे सारे टूल्स भी गए ना यार, मैंने पता नहीं मेरे सारे टूल्स चले गए यार, रुको। तो अभी अपने को ये करना है, तो सबसे पहले अपन एक क्या बोलते हैं अपने लिए एक परफेक्ट आर्मर बना लेते हैं, मतलब आर्मर और हेलमेट बना लेते हैं। ये करते हैं अभी डायमंड का ये यूज़ करते हैं, 1-2 हेलमेट बना लेते हैं अभी, तू जाना। और ठीक है, और एक अब चेस्ट प्लेट बना लेते हैं, आजा भाई चेस्ट प्लेट, इसको पहनते हैं। अब अपने को क्या बोलते हैं एक सवल बना दे, एक सवल क्यों, क्योंकि अपने को वो चाहिए, क्योंकि तुम देख रहे हो ना मेरे पास ऑब्सीडियन पहले से है, तो मुझे अभी चाहिए सवल, सवल से अपने को चाहिए ग्रेवल, तो ग्रेवल दादी मिल जाओ और इसको लगाओ ऑफ हैंड में, कहाँ गया ये, अपने को ग्रेवल चाहिए और अपने को नदर जाना है। देखो मैं नदर इसलिए पास के नदर इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि समझ रहे हो ना, पास के नदर इसलिए नहीं जा रहा हूँ, रुको इसको पहले हटा दो, ये हटा दो, अभी बेकार बेकार की चीज़ की भर रही थी मैंने इन्वेंट्री में। मैं पास के मतलब नदर इसलिए नहीं जा रहा हूँ यहाँ पर के, क्योंकि अपने को वो चाहिए, जितने भी हमारे यहाँ के नदर हैं ना, मतलब मेरे घर के या लिलीविल के नदर हैं, समझ लो जो क्लोजेस्ट नदर है, सारे के सारे बेस्टियन लूटेड है। तो मैं ट्राई करूँगा जितना फार ट्रैवल हो सकता है उतना फार ट्रैवल करूँ विद अपना ट्राइडेंट, फिर एक पोर्टल बनाऊँ, समझ लो फिर एक नदर पोर्टल बनाऊँ, फिर वहाँ जाके बेस्टियन ढूंढूँ, तो थोड़ा वो लॉजिकल भी लगेगा और थोड़ा मेरे लिए ईजी भी रहेगा, क्योंकि जो हमारे लिलीविल के पास है मेरे ख्याल से मैंने 2 बेस्टियन तो मैंने लूटे हैं,
और काफी बंदों ने क्या बोलते हैं नेदरराइट आर्मर बनाए हैं, मतलब अपने बंदों ने, तो उनने भी क्या बोलते हैं आसपास के बेस्टियन लूटे होंगे और वहां पर नो चांस उसने ट्रीमर छोड़ा होगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा दूर ट्रैवल करूँ, थोड़ा थाउजेंड ब्लॉक्स थोड़ा दूर ट्रैवल करूँ और उसके बाद एक नदर पोर्टल बनाऊँ, फिर मैं बैस्टियन ढूंढूँ, तो मिलने थोड़ा इजी रहेगा। और अपने सब कुछ सेट कर दिया है, अपन ने सब कुछ सेट नहीं किया भाई, अपन को एक ये चाहिए और मैंने यहाँ पर कोल देखा था, एक यहाँ पर कोल है, अपन को वो भी तो बनाना पड़ेगा, आयरन भी चाहिए और मेरे को एक शील्ड बनानी पड़ेगी। ये हो गया, मेरे पास बो भी नहीं है ना यार, यार बैशन बो लूट, मतलब बो से लूटना बैशन थोड़ा इजी है ना, तो एक फर्नेस लगा लेते, अपना आयरन मेल्ट कर लगा दे, और अपने को एक शील्ड भी चाहिए होगी क्योंकि डायमंड आर्मर है विदाउट एंटेंटमेंट, तो अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ है मेरे पास आयरन मिले थे ना, हाँ तो ये हो जाएगा। अपने को फ्लिंट एंड लॉन्ग बनानी है, फिर गाइज मैं जल्दी से दूर ट्रैवल करता हूँ, मतलब तुमको क्या है, तुम मेरे को लगेंगे आधा एक घंटा, मतलब 20-30 मिनट, आपको तो कितने मिनट का वो लगेगा, मतलब कुछ सेकंड में पता लग जाएगा आपको, तो यहाँ पर एक वो आएगा ना स्पीड में डुडुम डुडुम। हे आई गेस मैं बहुत ज्यादा दूर आ गया, अलग ही बायोम आ गया है भाई। सुअर, ये सुअर जहां दिख जाते हैं ना गुस्सा लगाता है मुझे, मारो इनको भाई, रोनी याद दिलाते। चलो गाइस ये बातें छोड़ो, अभी क्या बोलते हैं हम आ गए हैं यहाँ पर, पता नहीं अलग ही बायोम है, तो यहाँ पर पोर्टल बनाते हैं और होपफुली प्रे करते हैं भाई, मेरे को प्लीज यार 1 2 3 4 मेरे को प्लीज क्या वो कर देना यार, तमर हो ना थोड़ा बैस्टियन के अगल बगल। अरे अरे मैंने ज्यादा यूज कर दी, नहीं यार व्हाई आई एम सो डम ब्रो, नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाए, किसी ने कुछ नहीं देखा। अबे यार ग्रेविटी भाई दिमाग काम नहीं कर रहा ना मेरा यार, हट जा दोस्त हट जा प्लीज। 1 2 3 हो गया, चलो नदर चलते हैं, और प्लीज भाई प्लीज मुझे पहुंचा दो बेस्टियन के पास यार, मुझे एक ट्रिमर चाहिए, बस एक ट्रिमर मांग रहा हूं मैं आपसे। ओके ये कौन सा, अबे यार अब यहाँ घास भी है क्या भाई, प्लीज अगल बगल बेस्टियन, अबे घास को मारता हूँ भाई, आजा घास दीदी आओ, थोड़ा हमको गुस्सा आ रहा है थोड़ा हमसे। ओ घास शेयर, नहीं यार घास शेयर नहीं, घास से तो बहुत से मिलता है ना खाली, या उसके तू आ जा भाई, तू आ जा पहले, तू आ जा, ये कर लेते पहले ठीक है, ये कर लेते, मैं काम नहीं करता, तू मुझे मारते रहे मैं तुझे मारते रहता हूँ, बात खत्म। भाई यार क्यों भाई, यहाँ लग रहा कहीं पास में होगा, क्या लगता है तुमको दोस्तों, क्या मेरी किस्मत चमक पाएगी, हमको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, अपने राइट में जाना चाहिए या अपने लेफ्ट में या फ्रंट या बैक। चलो एक चीज, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 चोर निकल के भागा, ऐसी था ना चोर निकल के भागा, मतलब इस तरह भी आया है यार, मैं भूल गया हूँ क्या ये अक्कड़ बक्कड़। चलो गाइस आप लोग कमेंट करके बता देना, लग रहा है मैं भूल गया हूँ। ओए क्या डराया इसने मुझे भाई, फट गई मेरी, अरे दो सड़ गया यार, क्यों मत कर परेशान भाई, और मुझे भाई एक्सपी भी माइन करनी है, बट एक्सपी फार्म तो मैं करते रहूँगा, उसके लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है, बट सबसे पहले नेदरराइट है यार, मैं सबसे पहले नेदरराइट नहीं ढूंढू क्या, मैं सबसे पहले मतलब मैं क्या कन्फ्यूज हो रहा हूँ, मैं क्या ढूंढू, नेदरराइट ढूंढू मतलब एंशियंट डेब्रिस ढूंढू या फिर बेस्टियन ढूंढू, क्योंकि तुमको पता ही है ना बेस्टियन में भी एंशियंट डेब्रिस मिलते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ पहले बेस्टियन ढूंढ लेता हूँ, क्या पता एंशियंट डेब्रिस वो क्या बोलते हैं स्क्रैप मिल जाए, तो मुझे कुछ करना ही ना पड़े ना यार, ये कहाँ जगह आ गया हूँ यार मैं, प्लीज़ यार बेस्टियन मिल जाए यार, इस तरफ जाता हूँ बेस्टियन के लिए, तो यहाँ तो नहीं मिलेगा ये पूरा बायोम है भाई यार, इतना ज़्यादा टाइम हो गया मुझे ढूंढते ढूंढते ना, मैं तुमको क्या बताऊँ यार, मेरा मन कर रहा है ना अभी मैं चले जाऊँ भाई, डायमंड आर्मर से ही फाइट कर लूँ भाई, मेरे को चलेगा यार, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यार, चले जाऊँ क्या घर वापस, हर जगह जा रहा हूँ। ओह यहाँ पर ये दिखा भाई, अबे यार भाई फिर से एक प्लेन एरिया आ गया, नहीं मिल रहा यार मेरे को, मैंने बहुत ट्राई कर लिया है यार भाई, मैं अरे भाई मरते मरते बचा यार, जाऊँ क्या नीचे, पॉइंट है क्या, अबे नीचे जाऊँ भी कैसे, पॉइंट यहाँ पर मेरा पॉइंट नहीं बचेगा भाई, हाँ यहाँ से जा सकता हूँ यार, लग रहा है मैं वापस घर चले जाऊँ यार, नहीं मुझे लगा भाई एक तरह से मुझे ये लगा बेस्टियन है, कहीं नहीं है यार भाई, मेरी किस्मत खराब चल रही है क्या, वापस जाऊँ क्या, डायमंड आर्मर में रहूँ, अबे
अबे बेस्टियन ही है ना ये, ओ बगल में बेस्टियन है, मैं यहाँ दुखड़ा रो रहा हूँ। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके यहाँ चेस्ट है सेंटर में भाई। बस यार मेरे को बेस्टियन तो मिल गया ना, ओके ओके डायमंड, ये थोड़े गोल्ड भी ले लेता हूँ ना, अपने को गोल्डन एप्पल्स भी तो बनाने हैं दोस्तों। अबे यार इन्वेंट्री खाली करो, अबे तू जा ना, ये बेकार बेकार हड्डियाँ पड़ी हैं भाई बताओ। बट यार मेरे पास थोड़ा यार आर्मर थोड़ा सा बेकार है, तो मुझे देखना पड़ेगा। और यार अब क्या ही बताऊँ, भाई डायमंड के बूट्स बनाओगे यार भाई, मुझे लावा में गिरा देंगे ना, दिक्कत आ जाएगी। ओके नीचे मुझे एक चेस्ट दिखा यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा आराम से जाना पड़ेगा, अगर मुझे नीचे गिरा देंगे तो मेरा जीजी हो जाएगा बॉयस। ओके ओके यहाँ पर इनको आराम से मारो, एक एक करके मारो, चलेगा, जल्दबाजी नहीं, मेरे पास डायमंड आर्मर है भाई। ब्रूट सबसे ज़्यादा डर तो ब्रूट से लगता है भाई, भाई ऊपर, भाई ऊपर से बता दे। बढ़िया 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 बढ़िया, अच्छी लूट तो नहीं है, मतलब एक नदरेट, एक नदरेट स्क्रैप से एक आर्मर बनेगा ना मेरा, ऐसा ही कुछ है ना। बस यार मुझे वो चाहिए यार, क्या बोलते हैं उसको यार, ट्रिमर चाहिए। ओके भाई यार तुम लोग पे को परेशान मत, भाई जीने दो यार, जीने दो और जियो भाई, जीने दो और जियो, जीने दो और जियो मेरे भाई, जीने दो और जियो, बात सुन मेरी, जीने दो और जियो यार प्लीज़ यार। भाई यहाँ पर एक बार भी लावा में गिर गया ना मेरा डी एंड है। ओके भाई पहले पहले तुमको मान लें, हम तुम पीछे आके ढप्पा दे दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी यार दोस्त, तुमने मेरे साथ बहुत बार ऐसा किया और मुझे बहुत बार तुमने ऐसे करके, आ जा भाई अभी आ जा ना, आजा आजा, अब आया नहीं जा रहा क्या, आया नहीं जा रहा क्या, आया नहीं जा रहा क्या मेरे भाई, आया नहीं जा रहा क्या। ओके सेंटर, ओके इसने क्या गिराई, अभी गोल्डन एक्स नीचे है मुझे भाई, यहाँ पर चेस्ट था ना कहीं, अबे यहीं कहीं, ओके भाई ये लोग पागल हो गए भाई। अबे यार इसको, इसको हाँ भाई ये ले ले तू, डायमंड एक्स गिरी है वो लेने जा रहा है, पहले बंदा सामने है तुम्हारे भाई, बस ये लावा में ना गिरा दे यार, यही दिक्कत है मुझे। नहीं यार नहीं, प्लीज़ यार प्लीज़ भाई, ये मैग्मा क्रीम से मैं वो बना सकता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, फायर रेजिस्टेंस, तो ये मेरे काम आएगी बहुत ज़्यादा। भाई यार अभी मेरे को नहीं मिलेगी क्या यहाँ, यहाँ पर और चेस्ट होंगे ना, लोग को ढूंढता हूँ भाई। यार इतनी चेस्ट है क्या यार, गाइस कमेंट करके प्लीज़ बताना है, बेस्टियन में नॉर्मली बेस्टियन में कितने चेस्ट होते हैं, लूट बेस्टियन तो है नहीं, लूट बेस्टियन तो मैंने लूटा है तो मुझे पता है, ये पता नहीं कौन सा टूटा फूटा बेस्टियन है भाई। अब मैं बाहर, इसको मारो भाई, अब दो दो आगे दिक्कत देंगे थोड़ी, ये इनका साथ में क्रिट पड़ गया ना तो दिक्कत आएगी। अबे तीन तीन आगे, आराम से दोस्त, आराम से आराम से, सबको मारूंगा ना। अबे भाई इन सबको नहीं मार पाऊंगा मैं, अटो 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 अटो, आ जा भाई आ जा भाई, मेरी मेरी हेल्थ देखना है भाई, मेरे को हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा अपनी। हाँ भाई तू, हाँ सब मारो यार, सब मारो भाई सब मारो, मैं करता हूँ ना, मैं टारगेट प्रैक्टिस बढ़ जाता हूँ, सब अपना एम लगाओ बढ़िया करके। यार फूड खत्म हो गया क्या मेरे पे, ओके ब्रेड है, सेफ सेफ भाई, तुम लोग आ कहाँ से रहे हो यार। ओके चेस्ट है यहाँ भाई, हब हब करके आए यार, नहीं यार ओके कोई आ नहीं रहा, ठीक है हाँ अंदर अपग्रेड, बढ़िया भाई इससे मैं और सारा बना सकता हूँ, बढ़िया हो गया बढ़िया हो गया। ये जा तू भाई, ओ नदर स्क्रैप भी मिल गया, अरे गोल्डन एप्पल, नहीं यार मेरे को लगा एंचेंटेड एप्पल है, चलो कोई बात नहीं भाई, जो काम से आया था मुझे वो मिल गया है, लालच बुरी बला है भाई, लालच बुरी बला है। ये ले लूँगा, मांग में क्रीम ले लूँगा, ऑब्सीडियन ले लूँगा, ओके ऑब्सीडियन भी ले लेंगे, काम आएगा इन फ्यूचर, सोल स्पीड और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलो गाइज अपना पूरा काम तो कंप्लीट हो गया, जिस चीज़ के लिए मैं नज़र आया था ना, नदर आर्मर मेरा अभी पूरा का पूरा नदर एड आर्मर बन जाएगा बढ़िया करके। अब मैं सोच रहा हूँ एक्सपी अभी करूँ या बाद में करूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ अपना नदर एड आर्मर बना दूँ घर जाके, एक्सपी तो मैं घर में भी वापस नज़र आके अपने समर, क्योंकि मुझे घर जाने में बहुत टाइम लगेगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता यहाँ, क्योंकि मैं इसलिए टाइम वेस्ट करना ही करना चाहता क्योंकि लिली विल में कुछ भी हो सकता है। और तुमको पता है ना क्या बोलते हैं, ये मैं बहुत दूर आया हूँ और मुझे वापस लिली विल जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि तुमको पता ही है बेस्टियन ढूंढने के लिए मैं इतना लॉन्ग ट्रैवल करके ऑब्सीडियन, मतलब ऑब्सीडियन क्या हो रहा है, पोर्टल, नेदर पोर्टल बना के आया हूँ, तो पहले मुझे लिलीविल पहुँचना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम डालना पड़ेगा। अगर मुझे एक्सपी चाहिए तो मैं लिलीविल का पोर्टल यूज़ करके बगल के नेदरराइट में जाके वहाँ माइन कर सकता हूँ, अगर कुछ इशू आता तो मैं वापस घर भी जल्दी पहुँच सकता हूँ समझो, तो अभी कोई पॉइंट नहीं है यहाँ माइन करने का, तो मैं जल्दी से गाइस अपने लिलीविल जाता हूँ और एक परफेक्ट नेदरराइट आर्मर बनाते हैं,
फिर देखते हैं एंचेंटमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, फिर देखते हैं ठीक है। तो गाइस लिली विल जाने से पहले मेरे दिमाग से एक चीज तो हटी गई, अपने पास खाली दो ही स्क्रैप है, तो अपने को अभी समझ लो ना क्या बोलते हैं एंशंट एब्रिज होगा तो भाई माइन करना पड़ेगा यार, फ्री में थोड़ा मिलेगा। ये मैंने चंक बॉर्डर ऑन कर दिया, अब मैं एंशंट एब्रिज ढूंढने जा रहा हूँ। आई गेस मेरी माइनस 16 पे हूँ ना, ठीक है हाँ 16 पे हूँ। चलो भाई भाई यार ये भी तो है ना यार, इसमें मिलता ही नहीं है भाई। भाई नहीं 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 इस साइड है क्या अलावा, इस साइड नहीं है। चलो 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 भाई अपने को मिलेगा क्या कभी, इस साइड नहीं है, इस साइड वो करते हैं। इस साइड दूसरा चंक स्टार्ट हो गया ना, हाँ ओ दो मिल गए, बढ़िया 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 बढ़िया। अबे हटना भाई एंशिएंट डेब्रिस, चलो भैया दो मिल गए, दो मिल गए। अबे अबे लावा हट गया भाई, अबे इधर भी लावा, हर जगह लावा भाई। हो 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 भाई यार, भाई लावा यार तू सबसे ओ भाई नहीं 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 मरना नहीं, मरना नहीं भाई। तीन एंशिएंट डेब्रिस पहली बार मिले मुझे, मरना नहीं, मरूंगा नहीं। चलो भाई ये क्या है भाई, तीन एंशिएंट डेब्रिस यहाँ पर लगा देता हूँ क्योंकि मुझको आदत है ना ये ब्लॉक में मेरे ब्लॉक्स रखे हुए हैं। तो अबे भाई मरना भाई, हाँ भाई मेरे को लगा ये मेरे पे आ ही रहा है, हटो ना भाई यार सब काम ही में तुम आया भाई। तीन एंशिएंट भाई मुझे बताओ, तुमको कमेंट करके बताओ भाई तुमको कितनी बार तीन की वेन मिली है, मुझे मेरा फर्स्ट टाइम है तीन की वेन होती भी है। गाइस हम लिली विल पहुंच चुके हैं और अपने पास कितने एंशिएंट एब्रिज, 10 एंशिएंट एब्रिज है और दो नदर स्क्रैप है, तो अपने को लगेंगे मतलब तीन आर्मर में कर सकता हूँ प्रॉपर, अपना चेस्ट प्लेट, अपना चेस्ट प्लेट, अपना हेलमेट और मेरे को अगर नेदरराइट बूट रिपेयर करना है तो। बट नेदरराइट बूट में क्या एक आयरन मतलब नेदरराइट इंगट लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा, वो जान निकले देखिए पूरा एपिसोड। अबे यार ये भाई यार मैं क्या बोलूँ यार, जब भी आता हूँ भाई इतनी प्यारी स्टेयर थी, इतनी प्यारी सीढ़ियाँ थी मेरी घर की, पता नहीं किसने चुरा ली यार भाई। पहले वो देख रहे हो तुम, वो लिली विल के डायमंड चुरा लिए, अब मेरी घर की सीढ़ियाँ चुरा ली, भाई कौन है ये चोर भाई, मतलब यार इतनी क्या जरूरत पड़ गई यार मेरी सीढ़ियों की भाई, सीढ़ियाँ तोड़ के भाई लैडर लगा रखे हैं यार, क्या बोले भाई। चलो अभी अपने को ठीक है, अपने ही अभी अपने को क्या बोलते वो बनानी है यार। ओ यहाँ पर क्या बोलते चेस्ट है, ओके बढ़िया। भाई रुको हाँ तुम ये लो एक सेकंड के लिए, मैं इसका ये करता हूँ, अपने को वो बनानी ना क्या कहते हैं उसको, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, ऐसी बनती है ना शायद से वो स्मिथिंग टेबल, स्मिथिंग टेबल की रेसिपी भूल गया क्या मैं जल्दी, अच्छा ओके ओके माय बैड। और अपने को अभी वो भी तो बनाने जैसे कि ये ट्रिमर की क्या है ये, इसकी क्या रेसिपी है स्मिथिंग टेम्पलेट की, स्मिथिंग टेम्पलेट ये है इसकी रेसिपी, ओके ठीक है। अभी अपन कितना डायमंड बचे अपने का, अब नहीं बनेगा तो यार पहले सो जाते हैं बिस्तर लगा के, ठीक है यार बारिश भी नहीं हुई ना, मतलब बारिश हो रही है, चलो कोई बात नहीं। उससे पहले अपने पास वो भी नहीं है, मेरे पास हाँ कोबल स्टोन है, तो यहाँ पर एक फर्नेस लगा लेते हैं। और भाई यार कोल की कमी पड़ी है क्या मेरे पे, नो वे भाई यार इतना कचरा भर चुका है ना मेरे पे। हट जा भाई तू, पहले स्विमिंग टेबल एक यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ लगा देते हैं, इस पर मैं अपने पहले एंशिएंट ड्रेबी जलाने लगाता हूँ। और भाई वुड की तो कमी नहीं है, ये किसके भाई किसने छोड़ रखे हैं पूरे, बढ़िया हो गया बढ़िया हो गया। पहले तो रुको ये अपना तब तक बन रहा है अपन को यार, ओके ये हेलमेट मैंने भाई उतारा क्यों मैंने भाई, हेलो हेलो दोस्त। अपने को और क्या बनानी, ये बन गई ओके, एक स्क्रैप बन गया, ये बन गया। चलो अभी अपने को एक और, अपने को गोल्ड भी तो बनाना है, मैं वही सोच रहा कुछ ना कुछ तो भूल रहा तुम्हारा भाई, वो है गोल्ड बनाना, क्योंकि अपने को नदरा इंगट के लिए गोल्ड भी लगेंगे ढेर सारे, इतने में काम हो जाएगा आएगा सपना, होप सो ये काम नहीं आएंगे। चलो अगर 28 हो जाएंगे, एक और स्क्रैप आ जाएगा तो क्राफ्टिंग टेबल में हम लगाते हैं ऐसे करके, कैसा था वो, ऐसे 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 था ना, चार ऐसे फिर ऐसे 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 एक ऐसे, फिर ये इस तरफ था नहीं ऐसे था क्या, एक दो तीन चार, 1 2 3 ओके सॉरी 3 4 बहुत भाई नजर स्क्रैप बहुत कम बनाए ना मैंने यार, समझ रहे हो ना, ये गरीब ये अमीरों की स्कीम है। ऐसे और ये ऐसे ओके कितने हो गए, 2। तो फाइनली अपना हम बना रहे हैं आर्मर अपना नेदरराइट का,
लेट्स गो भाई, कितनी बिजली गिर रही है भाई। हटो हटो हटो, सो जाता हूँ भाई, सो जा भाई, सो जा पहले, सो जा भाई। खाली गाल मेरे सर पे बिजली रहे गिरी रहेगी, गंजा भी हो जाऊंगा चच्चा की तरह भाई, दिक्कत आ जाएगी ना फिर। अपने को ये करना था स्मिथिंग टेम्पलेट यहाँ पर, चेस्ट प्लेट यहाँ पर, और एक आयरन गड यहाँ पर भाई अपना। चलो भाई अपना ये बना, अब अपने को अपना हेलमेट करते हैं, ये हो गया ना अपना बढ़िया करके हो गया। इसका एक और वो आ जाएगा ना, अभी मेरे पास इंगट तो है। चलो ये कर लेते हैं ऐसे करके, और एक ऐसे करके इंगट बन गया। अब अपने को बनाना है अपना आर्मर, वेयर माय स्पीटिंग टेबल, ये करके और एक ये, और एक हेलमेट को बना देते हैं। ये हेलमेट भी बन गया अपना। क्या लगता है तुमको गाइस, एनविल किसके घर में होगी यार? मेरे घर में एनविल है क्या यार? मेरे को याद नहीं आ रहा, क्योंकि नहीं यार एनविल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बूट में बाद में रिपेयर कर दूंगा गाइस। आई होप यार, क्योंकि चेस्ट प्लेट और मेरे को हेलमेट एनचांट करना, तो ये मैं बाद में भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपी ग्राइंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और फाइनली अपने देखो यार, ये स्वॉर्ड निकाल ले दो हाथ में ऐसे करके। तो गाइस फाइनली हमने पूरा का पूरा अपना नेदरराइट आर्मर कंप्लीट कर दिया। अब तुम्हारा भाई वॉर के लिए अब हुआ ना रेडी, देख रहे हो, तुम्हारा भाई हुआ अब वॉर के रेडी। और मेरे पास 6 डायमंड बटे, और ये स्मिथिंग टेम्पलेट भाई मैं छुपा के रखूंगा, समझ रहे हो, ऐसी जगह रखूंगा ताकि समझ रहे हो ना, इसको मैं ज़्यादा सप्लाई कर पाऊँ। बिजनेस यार, अभी बिजनेस के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, अभी तो वॉर है भाई, अपने को भाई अपना रिवेंज लेना है। अभी दिखेगी ना लिलीपुट्स की पावर भाई, ये इनने जो भी किया है ना बहुत गलत किया, और इनको इनका फल तो मिलेगा। गाइस अपना आर्मर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आज की वीडियो यहीं एंड होती है। वीडियो एंड होने से पहले मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और गाइस तुम्हारा भाई रूटर में लाइव स्ट्रीम करने वाला है बहुत जल्द, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं मोस्टली 1 तारीख को रूटर में, 1 जनवरी को मैं मोस्टली रूटर में स्ट्रीम करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके भाई को रूटर में फॉलो करो, इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो, और भाई का डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन करो। और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, तब तक ले बाय बाय, पीस आउट, और कमेंट में लिलीपुट्स ओपी कर दो।